गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रोल ऑफ डायरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ बोर्ड और कुछ गवर्नेंस फंक्शनरीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शेडो, वुमेन, रेसिडेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनी डायरेक्टर्स। देखो क्या होते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। मान लेते हैं किसी कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस बात की रिस्क होगी कि कहीं कंपनी फ्यूचर में मेरे लोन का रीपेमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। हो सकता है कंपनी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे या ऐसे डिसीजन ले ले जिससे कि कंपनी की लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी पे फर्क पड़े और उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, किसी एक डायरेक्टर को जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें अपॉइंट करेगी, जिसे कहा जाएगा नॉमिनी डायरेक्टर। तो बोर्ड के जितने भी डिसीजंस होंगे उन सारे डिसीजंस में वो पर्टिकुलर नॉमिनी डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होगा उन सभी डिसीजंस में जो कि उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेंगे। तो नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है पढ़ते हैं। एनी इंटरेस्टेड पार्टी ऑफ द कंपनी सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेजर क्रेडिटर्स एटसेट्रा अपॉइंट डायरेक्टर। किसने अपॉइंट किया, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मेजर क्रेडिटर्स ने अपॉइंट डायरेक्टर ऑन देयर बिहाफ टू मॉनिटर एंड इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, सच डायरेक्टर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि नॉन एक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, जो परफॉर्म नहीं करते डे टू डे ऑपरेशंस में। तो जब नॉमिनी डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है तो ये सिर्फ उन डिसीजंस में इन्वॉल्व होंगे जो कि उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता होगा, ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए सच डायरेक्टर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोथ सेबी रेगुलेशन एंड सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किसने किया, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या उन मेजर क्रेडिटर्स ने जो कि कंपनी से रिलेटेड है, जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली जब उनका कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो जिस पर्सन को अपॉइंट करेंगे उसका भी कंपनी में इंटरेस्ट होगा, और जब इंटरेस्ट होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा एंड सच डायरेक्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, बेसिकली कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक पर्सन को लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और समझने के लिए हम इसके रोल्स को समझते हैं। तो क्या होते हैं रोल्स ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फर्स्ट, एक्ट्स एज लायसन बिटवीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड चेयरमैन। लायसन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक लिंक, एक मीडियम। तो ये एक्ट्स एज लायसन बिटवीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन। नेक्स्ट इज एडवाइसेस अपॉन अप्रोप्रिएट शेड्यूल्स फॉर बोर्ड मीटिंग्स। तो बोर्ड की जो मीटिंग्स होंगी उनके जो शेड्यूल्स हैं कब होनी है, कितनी बजे होनी है, कहां पर होनी है, ये सब एडवाइस कौन करेगा, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दे अप्रूव्स द एजेंडा ऑफ बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग्स। बोर्ड और कमिटी की जो मीटिंग्स होगी उसमें क्या मैटर डिस्कस होगा, उसमें क्या क्या बातें रखी जाएंगी, वो सारे एजेंडाज को अप्रूव कौन करेगा, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दे रिकमेंड्स टू द बोर्ड द रिटेंशन ऑफ एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स। कंपनी में कुछ एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं कुछ स्पेशल मैटर्स को डील करने के लिए, तो लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उन एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और बोर्ड को ये रिकमेंड करेंगे कि उन्हें रखा जाए या उन्हें हटाया जाए। नेक्स्ट रोल क्या है लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, दे इंश्योर्स कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नेंस गाइडलाइंस। जो गवर्नेंस गाइडलाइंस है उनका कंप्लायंस और उनका इम्प्लीमेंटेशन को एंश्योर करते हैं लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एंड दे सर्व्स एज चेयरमैन व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट। देखो चेयरमैन कहां पर जरूरी है, किसी भी बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग में। तो अगर किसी मीटिंग में चेयरमैन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो चेयरमैन की सीट कौन ले सकता है, उसकी जगह कौन ले सकता है, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड लास्ट, सर्व्स एज लायसन फॉर कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम कौन करते हैं, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, देखते हैं वो क्या है। कांग्रेस के लकी चाम राहुल गांधी बोले,
आलू डालो सोना निकालो, राहुल गांधी के जो फैंस हैं प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ एक मेमोरी टेक्निक है, हम हमेशा बनाते हैं। कांग्रेस के लकी चार्म राहुल गांधी बोले आलू डालो सोना निकालो। कांग्रेस सी स्टैंड्स फॉर चेयरमैन, क्या बोलते हैं, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व्स एज चेयरमैन व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट लकी, लकी का एल स्टैंड्स फॉर लायसन, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्ट्स एज लायसन बिटवीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन। चार्म सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, वो शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। राहुल का आर स्टैंड्स फॉर रिटेंशन, जो एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स हैं उन्हें रिटेन करना है या हटाना है, ये बोर्ड को एडवाइस करने का काम लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है। गांधी का जी स्टैंड्स फॉर गाइडलाइंस, जो भी गवर्नेंस गाइडलाइंस है उनका कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने का काम किसका है, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। एंड आलू का ए स्टैंड्स फॉर एजेंडा, जो भी बोर्ड और कमेटी मीटिंग्स होगी उनका एजेंडा। और एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्स, शेड्यूल्स कौन अप्रूव करेगा, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये मेमोरी टेक्निक्स बनाता हूँ, आप सिर्फ प्लीज एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेयरमैन, हमने नॉमिनी डायरेक्टर देखा, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखा, अब नेक्स्ट टॉपिक है चेयरमैन। देखो चेयरमैन क्या होता है, जब भी कोई भी बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग होगी तो वहां पर जो मेंबर्स प्रेजेंट है उन्हीं में से एक पर्सन को नॉमिनेट कर दिया जाता है इलेक्ट करके एज अ चेयरमैन। तो चेयरमैन का काम क्या होगा, वो मीटिंग को शुरू से लेके लास्ट तक कंडक्ट करवाने का काम होता है चेयरमैन का। प्रॉपर कोरम प्रेजेंट है या नहीं, कितने मेंबर्स प्रेजेंट है उनकी काउंटिंग, जो एजेंडा है उसमें किन किन मैटर्स को किस किस सीक्वेंस में डिस्कस करना, ये सारे काम, मिनट्स को प्रिपेयर करना और डिसीजन लेना, ये वोटिंग करवाना, ये सारे काम किसके होते हैं, चेयरमैन के। तो इसको फास्ट रीड आउट करते हैं, चेयरमैन आर हु एवर द बोर्ड इलेक्ट्स टू टेक द चेयर एट ए पर्टिकुलर मीटिंग, जिसे भी बोर्ड अपॉइंट कर लेते हैं वही चेयरमैन होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर बोर्ड मीटिंग में एक ही चेयरमैन को अपॉइंट करें, हर अलग अलग बोर्ड मीटिंग में अलग अलग चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। दे हैव नो लीगल पोजिशन एंड बोर्ड्स आर नॉट बाउंड टू कंटिन्यू विद द सेम चेयरमैन फॉर सक्सेसिव मीटिंग्स। अब चेयरमैन के रोल्स क्या क्या हैं, रोल्स ऑफ चेयरमैन इंक्लूड्स एंश्योरिंग दैट बोर्ड मीटिंग्स आर प्रॉपरली कंडक्टेड, चेयरमैन को ही है जिम्मेदारी है चेयरमैन की कि बोर्ड मीटिंग्स आर प्रॉपरली कंडक्टेड। नेक्स्ट है लीडिंग द बोर्ड एंड एंश्योरिंग इट्स इफेक्टिवनेस, बोर्ड को लीड करना और बोर्ड की इफेक्टिवनेस, बोर्ड इफेक्टिवनेस इफेक्टिव हो अपने हर डीलिंग में, अपने हर रिजोल्यूशंस में, अपनी हर प्रोसीडिंग्स में, ये इंश्योर करने का काम होगा चेयरमैन का। सेटिंग बोर्ड एजेंडा, बोर्ड का एजेंडा सेट करना, इंश्योरिंग टाइमली रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को मीटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, नोटिस टाइमली मिल जाए, एजेंडा टाइम से मिल जाए, अगर उनके पास ऑप्शन है टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को टाइमली पहुंच जाए, ये इंश्योर करने का काम है एक चेयरमैन का। प्रोवाइडिंग एन इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू डायरेक्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग और इंडक्शन प्रोग्राम को प्रोवाइड करना भी चेयरमैन का पर्पज है। इंश्योरिंग दैट व्यूज ऑफ शेयर होल्डर्स आर कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड, देखो बोर्ड और चेयर, बोर्ड और शेयर होल्डर्स डायरेक्टली कभी भी मीट नहीं करते, तो इनके बीच में लिंक का काम कौन करता है, चेयरमैन। तो चेयरमैन जो भी शेयर होल्डर्स के व्यूज हैं उन्हें कम्युनिकेट बोर्ड तक करने का काम है चेयरमैन का। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, अब देखो बोर्ड खुद में ही डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, अब वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनकी भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन करने के लिए उनके ऊपर कोई पर्सन होना जरूरी है, तो वो काम कौन करता है, चेयरमैन। तो चेयरमैन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट है एनकरेजिंग एक्टिव एंगेजमेंट बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ये चेयरमैन का काम है कि सभी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको मीटिंग में बुलाना, उनको इंश्योर करवाना कि दे ऑल शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। टू टेक द चेयर एट जनरल एंड बोर्ड मीटिंग्स, ऑब्वियसली चेयरमैन का काम ही यही है टू टेक चेयर एट जनरल एंड बोर्ड मीटिंग्स। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एजेंडा, एजेंडा में कई सारे मैटर्स होते हैं, दोज आर टू बी डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग, तो किस मैटर को पहले और किस मैटर को बाद में डिस्कस करना है, ये ऑर्डर ऑफ एजेंडा डिटरमाइन करने का काम है चेयरमैन का।
एंड डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड, सॉरी बोर्ड का क्या कंपोजिशन होगा और क्या स्ट्रक्चर होगा ये डिटरमाइन कौन करेगा, चेयरमैन। तो इसे याद रखने के लिए हमने अगेन एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, क्या है देखते हैं। MLA, VIP एंड IAS ऑल करप्ट, क्या है मेमोरी टेक्निक दोबारा रिपीट करता हूँ, MLA, VIP एंड IAS ऑल करप्ट, वेयर MLA में M स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स, चेयरमैन का काम है कि मीटिंग्स प्रॉपरली कंडक्ट हो गई हूँ, L स्टैंड्स फॉर लीडिंग बोर्ड एंड AI स्टैंड्स फॉर एजेंडा, एजेंडा को सेट करने का काम है चेयरमैन का। VIP में V स्टैंड्स फॉर व्यूज ऑफ शेयर होल्डर्स, वी स्टैंड्स फॉर व्यूज, जो शेयर होल्डर्स के व्यूज हैं उन्हें कम्युनिकेट करना डायरेक्टर तक, ये काम है चेयरमैन का। P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना बोर्ड की, एंड I स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को मीटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली एंड एक्यूरेटली प्रोवाइड करने का काम है चेयरमैन का। देन IAS में I स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन टू डायरेक्टर्स हमने पढ़ लिया, एंड A स्टैंड्स फॉर एजेंडा, दैट इज एजेंडा का ऑर्डर सेट करना, एंड S स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड। इसके बाद ऑल करप्ट में ऑल स्टैंड्स फॉर ऑल मेंबर्स का एंगेजमेंट, सभी मेंबर्स का एंगेजमेंट को इंश्योर और एनकरेज करने का काम है चेयरमैन का। एंड लास्ट सी करप्ट, सी स्टैंड्स फॉर चेयर, सभी मीटिंग्स में ये टू टेक द चेयर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है चेयरमैन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो CEO कौन होगा, नाम से देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, दोज हु आर एक्चुअली एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर डेली इन्वॉल्व होंगे तो वो काम क्या करेंगे, जब तक उन्हें कोई स्ट्रेटेजी बना के नहीं देगा, जब तक उन्हें कोई प्लान बना के नहीं देगा, वो लोग परफॉर्म क्या करेंगे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है कंपनी की स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना, कंपनी के कॉरपोरेट डिसीजंस लेना, और कंपनी के सभी जो भी रिसोर्सेज या ऑपरेशन है उनको मैनेज करना। तो पढ़ते हैं, CEO इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड टू मैनेज द कंपनी इफेक्टिवली, हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हाई लेवल स्ट्रेटेजीज, जो हाई लेवल स्ट्रेटेजीज उनको बनाने का काम और इम्प्लीमेंट करने का काम है CEO का, मेकिंग मेजर कॉरपोरेट डिसीजन, जो मेजर कॉरपोरेट डिसीजन हैं वो लिए जाएंगे बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड मैनेजिंग ओवरऑल ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज, एंड लास्ट एक्टिंग एज कम्युनिकेशन बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉरपोरेट ऑपरेशन। तो जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉरपोरेट ऑपरेशंस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। क्या बोलता है, CEO थिंक्स स्ट्रेटेजिकली एंड लीड द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू मीट द कॉम्पिटिशन। CEO जो स्ट्रेटेजीज बनाने का काम है और जो भी सारी स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड वर्क है, स्ट्रेटेजिकली सोचना, ये काम है CEO का, ताकि मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उससे लड़ा जा सके, उसमें स्टैंड किया जा सकते और कंपनी के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें मीट किया जा सके। एंड देन CEO मॉनिटर्स द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल आउटकम्स अगेंस्ट द सेट प्लान्स। CEO ने स्ट्रेटेजीज बना ली, प्लान बना ली, अब जो सेट प्लान्स हैं उनके साथ साथ जो कंपनी के फाइनेंशियल आउटकम्स हैं उनको मॉनिटर करना, ये काम किसका है, CEO का, कि वो जो कंपनी ने प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनाई हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रही हैं और उनके आउटकम्स जो डिजायर आउटकम्स थे उनसे मैच हो रहे हैं या उनसे डाइवर्ट हो रहे हैं, ये सब मॉनिटर करने का काम है CEO का। अब हमने CEO पढ़ा, हमने चेयरमैन पढ़ा। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेयरमैन कौन होता है और CEO कौन होता है और उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो इस वजह से सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरमैन एंड CEO हम पढ़ेंगे कि चेयरमैन और CEO का रोल को सेपरेट क्यों रखा गया। देखो चेयरमैन जो होता है वो एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है, वो एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है, जो ऑपरेशंस कंपनी में किए जा रहे हैं उन्हें मॉनिटर करने का काम होता है चेयरमैन का। और जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमने बोला ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएगा, तो इसके अंडर होगी मैनेजमेंट टीम, एग्जीक्यूटिव टीम। तो जो काम करना है, जो कंपनी के ऑपरेशंस है उन्हें ऑपरेट करने का काम होगा CEO का और उन्हें मॉनिटर करने का काम होगा चेयरमैन का। तो पढ़ते हैं, चेयरमैन मॉनिटर एंड इवेल्युएट्स द कंपनीज परफॉर्मेंस, वेयर एज CEO रिप्रेजेंट्स द मैनेजमेंट टीम। ठीक है,
सेपरेटिंग द रोल्स इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज बोर्ड. ऑब्वियसली बात है, अगर आप ही मैनेज करोगे, सेम पर्सन अगर मैनेज करेगा और सेम पर्सन मॉनिटर करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया हमने खुद का ही काम मॉनिटर कर लिया, और खुद के काम को मॉनिटर करके हम हमेशा हाई वैल्यू करेंगे, कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे. तो इसलिए अगर मैनेजमेंट फंक्शन एंड मॉनिटर फंक्शन अलग अलग होगा, सीईओ और चेयरमैन सेपरेट होंगे, तो कंपनी की जो इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन हो जाएगी. क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ रोल्स आर बोर्ड कैन मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट इट्स व्यूज ऑन मैनेजमेंट. देखो बोर्ड क्या करेंगे, जब तक मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, जब तक उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होगी, कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं होगी, तो बोर्ड उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उनके काम को इवेल्युएट करके किसको रिपोर्ट देंगे. तो अगर सेपरेट चेयरमैन होगा तो बोर्ड कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इट्स व्यूज ऑन मैनेजमेंट. नेक्स्ट है सेपरेट चेयरमैन प्रोवाइड गाइडेंस टू सीईओ ऑन हिज परफॉर्मेंस. देखो सीईओ का काम होता है मैनेजमेंट टीम को संभालना, जो कंपनी के ऑपरेशन है उन्हें ऑपरेट करना. तो चेयरमैन क्या करेंगे, सीईओ को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड. नेक्स्ट है चेयरमैन कैन फोकस ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट वाइल द सीईओ मैनेजेस द कंपनी. भाई सीईओ क्या कर रहा है, कंपनी को मैनेज कर रहा है, कंपनी के ऑपरेशंस और डिसीजंस को, कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको मैनेज कर रहा है, तो शेयर होल्डर का ध्यान कौन रखेगा. तो ऑब्वियसली बात है अगर सेपरेट चेयरमैन होगा तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जा सकता है, उन पे भी फोकस किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है मोर इफेक्टिवली फुलफिलमेंट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ऑब्वियसली बात है अगर आप मॉनिटर कर रहे हो कि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कैसा काम कर रहे हैं, तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी फुलफिल हो रही हैं, ये भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं और उनके कंप्लायंस के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है सेपरेट चेयरमैन. नेक्स्ट पॉइंट है चेयरमैन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वाइल सीईओ कैन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. देखो सीईओ का काम डेली फंक्शनिंग में है तो ऑब्वियसली उसका काम होगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना. तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अगर सीईओ संभाल रहा है तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को संभालेगा कौन, ऑब्वियसली चेयरमैन. तो सेपरेट चेयरमैन होगा तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी दोनों पर सेपरेट फोकस दिया जा सकेगा. एंड लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑन सक्सेशन प्लान्स बाय चेयरमैन. सक्सेशन प्लान्स होते हैं फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के, कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स है उन पर कंसंट्रेट इफेक्टिव हो सकेगा अगर सेपरेट चेयरमैन होगा कंपनी में. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, तो हमने अभी तक एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शेडो डायरेक्टर्स, विमेन डायरेक्टर्स, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन और लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये सब पढ़ लिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी सेक्रेटरी. देखो जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 203 है वो बोलता है कंपनी को, कुछ कंपनीज को मैंडेटरी है कुछ की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना. उन की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और वहीं पर एक नाम आता है कंपनी सेक्रेटरी. तो जब सेक्शन 203 बोलता है कुछ की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना जरूरी है और वहां पर उसने नाम लिखा कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऑब्वियसली ऑफिसर कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो बोलते हैं सी एस हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी. आगे पढ़ते हैं कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज. जो सारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो सारी रिलेटेड पार्टीज और इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन सभी के बीच में एक लिंक का काम कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी. दे इंश्योर्स दैट बोर्ड प्रोसीजर्स फॉलोड एंड रिव्यूड. वो इंश्योर करेंगे कि बोर्ड ने अपने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया और उनको रिव्यू करने का काम है कंपनी सेक्रेटरी का. नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड गाइडेंस टू बोर्ड एज टू इट्स ड्यूटीज पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. बोर्ड अगर भटक जाए अपनी ड्यूटीज पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनको याद दिलाने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का. तो कंपनी सेक्रेटरी का एक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड लास्ट एक्ट्स एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है कंपनी सेक्रेटरी का वो यही कि कंपनी ने रेगुलेटरी और स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली कंप्लाई किया, फॉलो किया या नहीं किया, तो ये सब चेक करना और उन्हें कंप्लाई करने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का. एंड दस ही एक्ट्स एज अ कंप्लायंस ऑफिसर.
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। ये आप लोग सभी अच्छे से समझते हैं तो मैं एक फास्ट रीड आउट कर देता हूँ। टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लायंस, ऑब्वियसली कंपनी में कितने कंप्लायंसेज हैं और क्या नॉन कंप्लायंस है उनके बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करने का काम कंपनी सेक्रेटरी का है। टू इंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, जो ICSI ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, दस उन्हें इंश्योर करने का काम कि वो कंप्लाई हुए या नहीं हुए, ये कंप्लाई करने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी के अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि ICSI का जो कोर्स है वो कौन पढ़ रहा है? हम लोग कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें कंप्लाई भी कौन करेंगे? हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज। टू गाइड डायरेक्टर्स रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज, हमने पढ़ लिया। फैसिलिटेट कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग, मीटिंग्स को कन्वीन करना चेयरमैन के साथ किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। टू अटेंड मीटिंग्स, मीटिंग्स को अटेंड करना, उनके मिनट्स को मेंटेन करना। एंड टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड। देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, कंपनी खुद किसी के सामने नहीं जा सकती, उसके बिहाफ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज और स्टेचुटरी अथॉरिटीज के सामने जाने का काम किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी को इन अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, सेम बात है। एंड सच अदर ड्यूटीज एज प्रेस्क्राइब बाय बोर्ड और लॉज। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। देखो सेक्शन 203 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा? अपॉइंटेड बाय मीन्स ऑफ अ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। तो ये इनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा? बाय बोर्ड रिजोल्यूशन से। नेक्स्ट रूल 8 बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी और हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो उसमें एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल अपॉइंट होना जरूरी है। देखो होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल और कंपनी सेक्रेटरी, इन दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल का एक पार्ट है। होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल में और भी बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा। तो कंपनी सेक्रेटरी भी एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल है। तो ये बोलता है कि सभी लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उन्हें कम से कम एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंट करना जरूरी है। इसके बाद रूल 8A बोलता है कि अगर कोई कंपनी, मतलब अदर देन रूल 8 वाली कंपनी, जैसे कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर कंपनी को एट लीस्ट एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब रूल 8A में कौन सी कंपनीज आ जाएंगी? पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो उन्हें एटलीस्ट एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेगमेंट 2 बोर्ड चार्टर। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था इस चैप्टर को हम लोग 4 सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेगमेंट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, सेगमेंट 2 में सबसे पहला टॉपिक बोर्ड चार्टर। देखो जैसे कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, कंपनी की डीलिंग्स, कंपनी के पावर्स और कंपनी की लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से बोर्ड चार्टर भी एक स्टेटमेंट है जो कि गाइडलाइंस और ये पॉलिसीज बताता है किसकी, डायरेक्टर्स की रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो बोर्ड चार्टर और कुछ नहीं सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक गाइडलाइंस लिखी हुई होती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको किन पावर्स में रहना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके क्या रोल्स हैं, तो ये सब डिफाइंड होंगे बोर्ड चार्टर में। तो इट इज अ टूल टू असिस्ट डायरेक्टर्स इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्टर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, ये असिस्ट करने का एक टूल है बोर्ड चार्टर। बोर्ड चार्टर सेट्स आउट द रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बोर्ड और मैनेजमेंट के क्या रोल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या अथॉरिटीज हैं, ये कौन सेट आउट करेगा? बोर्ड चार्टर। इट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर कंपनीज टू हैव अ बोर्ड चार्टर। ऑब्वियसली अगर कंपनी में एक बोर्ड चार्टर होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज डिफाइन होंगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, किसकी क्या पावर्स हैं, किसको कितना काम करना है, सब जब डिफाइन होगा तो ऑब्वियसली बोर्ड चार्टर कंपनी में होना एक गुड प्रैक्टिस है एंड इट इज प्रेफरेबल एंड अप्रिशिएटेड।
अब बोर्ड चार्टर में इंक्लूड, अब बोर्ड चार्टर में क्या क्या बातें हो सकती है देखते हैं। बोर्ड चार्टर बताएगा बोर्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल ऑफ चेयरमैन सीईओ एंड सीएस, डायरेक्टर्स के क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, बोर्ड मेंबर, देखो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कि किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डील करना है अपने आउटसाइडर से, कंपनी के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करते हैं कि नहीं, मीटिंग्स में जाते हैं तो किस तरह से उन्हें बिहेव करना है, क्या उन्हें मैनर्स फॉलो करने हैं, किस तरह की डीलिंग्स करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है, ये सब होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सब बताएगा कौन, बोर्ड चार्टर। नेक्स्ट है बोर्ड मेंबर्स क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, बोर्ड का जो मेंबर होगा उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये डिफाइन करेंगे बोर्ड चार्टर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय बोर्ड, बोर्ड अपनी अथॉरिटी को कितना डेलीगेट कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सब डिफाइन करेगा बोर्ड चार्टर। रोल एंड पावर्स ऑफ कमिटीज, अगर कोई बोर्ड कमिटीज बनी है, जैसा कि हमने चैप्टर 6 जो हमने पढ़ा था और उसका लेक्चर भी अपलोडेड है, तो उसमें जो बोर्ड कमिटीज बनी है उनके रोल्स और पावर्स भी कहाँ लिखे होंगे, बोर्ड चार्टर में। बोर्ड इवेल्युएशन, बोर्ड को इवेल्युएट करना, एंड बोर्ड को किस तरह से इवेल्युएट करना, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे और क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या क्राइटेरिया होंगे बोर्ड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के, ये सब लिखे होंगे बोर्ड चार्टर में। एंड डायरेक्टर इंडक्शन, कब कब डायरेक्टर की ट्रेनिंग होगी, किन किन डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग होगी और कितनी बार होगी, ये सब लिखा होगा बोर्ड चार्टर में। एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, बोर्ड ने अगर कंपनी के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्टर्स को रीइंबर्स कर दिए जाएं और कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे, ये सब कुछ लिखा होगा बोर्ड चार्टर में। तो बोर्ड चार्टर को हम जब भी पढ़ेंगे, कब किसके साथ पढ़ा जाता है, इन्हें एमओए और एओए के साथ। नेक्स्ट है बोर्ड प्रोसेसेस, देखो बोर्ड प्रोसेसेस में हम लोग देखेंगे जनरल बातें, जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स, नोटिस, एजेंडा, बहुत कॉमन सी बात है, जैसे कि नोटिस कम से कम 7 दिन पहले जाएगा, नोटिस सभी मेंबर्स को जाएगा। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा भी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर अ मीटिंग सेंड करना जरूरी है विद नोटिस। ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग पेपर्स शैल बी सेंट विद एजेंडा, जो भी सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट बोर्ड के प्रोसेसेस के बारे में क्या बात करता है। तो प्रोविजंस रिगार्डिंग मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 173 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड के बारे में क्या बोलता है देखते हैं। सेक्शन 173 बोलता है कि हर कंपनी को अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कम से कम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट और हेल्ड करानी जरूरी है। रिपीट करता हूं, हर कंपनी को जब भी कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुई है, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पहली बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट और हेल्ड कराना जरूरी है। इसके बाद मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स शेल नॉट एक्सीड 120 डेज। बोर्ड मीटिंग्स कितनी कंपलसरी है सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग, हर कंपनी में एटलीस्ट कम से कम 4 बार बोर्ड को मीटिंग बुलानी जरूरी है और किन्हीं 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी दैट इज ओपीसी स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शेल नॉट बी लेस देन 90 डेज। क्या बोलता है, जो कंपनी के कैलेंडर ईयर है जो कि जनवरी टू दिसंबर चलता है, तो उसमें जो ईच हाफ है, तो फर्स्ट हाफ हो जाएगा जनवरी टू जून एंड सेकेंड हाफ हो जाएगा जुलाई टू दिसंबर, तो ईच हाफ में एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग करवाना जरूरी है। किनको, इन छोटी कंपनीज को, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, और दो, जो एक मीटिंग यहाँ होगी और एक मीटिंग यहाँ होगी, इन दोनों के बीच में कम से कम 90 दिन का वक्त हो, इनके बीच में जो गैप हो 90 दिन से कम का नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, क्या बोलते हैं, बोर्ड की मीटिंग जो भी होंगी उसका ऑब्वियसली हर बोर्ड मीटिंग का एक नोटिस सभी डायरेक्टर्स को जाना जरूरी है। तो नोटिस टू ऑल डायरेक्टर्स एट रजिस्टर्ड एड्रेस, नोटिस कहां पर आप पोस्ट करेंगे, जो भी डायरेक्टर्स का एड्रेस हमारे पास रजिस्टर होगा कंपनी के पास, एंड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग, कम से कम 7 दिन पहले सभी डायरेक्टर्स को नोटिस चला जाए मीटिंग के। मोड ऑफ डिलीवरी, कैसे नोटिस को भेजा जाए, बाय हैंड, बाय पोस्ट
और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैसे भी भेजें, एंड इन केस ऑफ शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस का मतलब होता है अगर 7 दिन से पहले, मान लेते हैं बोर्ड मीटिंग हो रही 20 को, तो 7 दिन पहले नहीं जाके मैं मुझे नोटिस भेजना है 15 तारीख को 16 तारीख को, मतलब 7 दिन से कम वक्त में, तो उसे कहेंगे शॉर्टर नोटिस। तो शॉर्टर नोटिस जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कंपनी को कोई अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है और कंपनी के पास 7 दिन का वक्त भी नहीं है, तो एक शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं। उसकी क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल प्रेजेंट एट दैट मीटिंग, कम से कम उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो। हो सकता है जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो सब मिलके एक अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करें, इसको इन्फॉर्म नहीं करें और कंपनी के अगेंस्ट में या खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन ले लें। इसलिए बोला जाता है कि अगर शॉर्टर नोटिस है तो उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा शुड बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स, वो सभी डायरेक्टर्स को सर्कुलेट हो, एंड शेल बी फाइनल, वो बाइंडिंग और फाइनल तभी माना जाएगा ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ डिसीजन बाय एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि उस डिसीजन को कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई कर दे। नेक्स्ट टॉपिक है कोरम। कोरम क्या होता है, किसी भी मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर्स होना जरूरी है वो कहलाती है कोरम। अगर मान लो किसी कंपनी में कोई मीटिंग कंडक्ट की और एक पर्सन जाके बोल देता है कि मैंने मीटिंग अटेंड करी, मीटिंग कंडक्ट हो गई, तो कोई भी पर्सन खुद के साथ मीटिंग नहीं कर सकता, तो किसी भी कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होना जरूरी है फॉर कंडक्टिंग ए मीटिंग और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो कम से कम कितना, 2, एंड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों में से 2 एंड 1/3, इनमें से जो भी ज्यादा है, एटलीस्ट इतने मेंबर्स होना जरूरी है किसी भी बोर्ड मीटिंग में, एंड पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स शैल बी काउंटेड। अगर कंपनी ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है डायरेक्टर्स को कि दे कैन पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और थ्रू ऑडियो विजुअल मोड, और उन डायरेक्टर्स ने जो कि इन मेथड के थ्रू, इन मोड्स के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्होंने अगर कंपनी को अपनी इंटेंशन दे दी कि हाँ हम इन मेथड्स के थ्रू कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन भी काउंट होगा कोरम में। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप तो नहीं आए थे मीटिंग में एंड कोरम कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, देन नंबर ऑफ नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बीइंग मोर देन 2 शैल बी कोरम। देखो, किसी भी कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 1/3, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं कि कंपनी कुछ भी अगर डिसीजन ले रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसे कह दिया जाएगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर उन पर्टिकुलर डिसीजंस में जो कि उनके इंटरेस्ट में है, मतलब जिसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो ऐसे डिसीजंस में या ऐसी मीटिंग्स में अटेंड नहीं करेंगे, ऐसे डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसी मीटिंग में 2/3 से एक्सीड कर जाते हैं, इसका मतलब मिनिमम जो 1/3 की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई, तो ऐसे केस में जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उन्हें ही कोरम मान लिया जाएगा। तो क्या बोलते हैं, देन नंबर ऑफ नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बीइंग मोर देन 2 शैल बी द कोरम। नेक्स्ट है, मीटिंग एडजर्न्ड ड्यू टू वांट ऑफ कोरम शेल बी हेल्ड सेम डे सेम टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। अगर कोरम कंप्लीट नहीं हुई और इस वजह से मीटिंग एडजर्न हुई, तो वो कब पोस्टपोन्ड हो जाएगी, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम एंड प्लेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड्स। देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड्स, ये सब मीटिंग कंडक्ट कराने का काम किसका होता है, चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी का। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल हो, सारी रिकॉर्डिंग हो जो भी मीटिंग में हुआ है, और सभी एक दूसरे को सुन पाएं, देख पाएं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी की। तो रीड करते हैं, चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी शेल टेक ड्यू एंड रीजनेबल केयर टू सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग। कंपनी में सिर्फ ऑथोराइज, सॉरी मीटिंग जो बोर्ड की हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी की।
और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैसिलिटीज। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड से मीटिंग तो करवा रहे हो लेकिन आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, फैसिलिटीज ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी की। टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर मिनट्स, जो भी कंपनी की प्रोसीडिंग्स है उन्हें रिकॉर्ड करना और मिनट्स को प्रिपेयर करना, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी की है। एंड टू इंश्योर ओनली ऑथोराइज एक्सेस टू प्रोसीडिंग्स, हमने बोल दिया। टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू हियर एंड सी अदर पार्टिसिपेंट, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है एक दूसरे को आप देख और सुन ही नहीं पा रहे हो तो मीटिंग कैसे होगी। तो ऑब्वियसली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी की। नेक्स्ट पॉइंट है, नोटिस शेल इन्फॉर्म अबाउट ऑप्शन टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड। भाई अगर जो डायरेक्टर्स को पता ही नहीं होगा कि ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल है तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेगा, तो जो नोटिस जाएगा मीटिंग का उसमें ये ऑप्शन को साफ साफ बता दिया जाएगा कि डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड, एंड डायरेक्टर शेल कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल टू चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी सफिशियंटली इन एडवांस। डायरेक्टर ये पहले से ही बता दे उसके इंटेंशंस टू पार्टिसिपेट, पहले से अगर वो बताएगा तभी कंपनी उसकी जो कंपनी सेक्रेटरी या चेयरमैन है वो फैसिलिटीज को अरेंज कर पाएंगे। तो उसे पहले से बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग में अटेंड करना चाहता हूँ। एंड डायरेक्टर में इंटीमेट एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड सच डिक्लेरेशन शेल बी वैलिड फॉर वन कैलेंडर ईयर। वो अगर किसी कैलेंडर ईयर के स्टार्टिंग में एक बार इंटीमेट कर देता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू पार्टिसिपेट करूंगा तो उसकी ये डिक्लेरेशन साल भर के लिए वैलिड हो जाएगी और उसे बार बार ये इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन इट शैल बी एज्यूम दैट डायरेक्टर विल अटेंड इन पर्सन। अगर वो इंटीमेट नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं आएगा, वो पर्सनली मीटिंग को अटेंड करेगा। और क्या क्या मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू डील नहीं किए जा सकते, कुछ मैटर्स जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस एंड मैटर्स रिलेटिंग टू अमालगमेशन, मर्जर, डी मर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर, ये ऑब्वियसली बड़े मैटर्स होते हैं और इन्हें पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट होके डील किया जाना पड़ता है। एंड लास्ट, ऑडिट कमिटी मीटिंग्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है किसी ऑडिट मीटिंग में तो वो भी पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू मीटिंग्स कंडक्ट नहीं की जाएगी इन मैटर्स से रिलेटेड। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं रोकते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ जिसको वीडियो पसंद आई वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।